हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हलवा बनाऊंगी। आज कन्या पूजन है और ये हमने एक कटोरी सूजी ली है और ये कुछ मेवा ली है। इधर इंडक्शन पे कढ़ाई रख दी हूँ और इसमें घी डालूंगी और पहले ये भून लूंगी। काजू बादाम करी किशमिश जो हमने लिया है, ये भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्रंची हो जाता है थोड़ा। और देखिए ये भुनने लगा है, किशमिश तो अंगूर के शेप में आ गई है और इसको हम निकाल लेंगे नहीं तो जल जाएगा। और माता रानी के भोग के लिए हलवा ही बनता है इसलिए बना रही हूँ। ये हमने निकाल लिया है और इसी घी में हम सूजी डालेंगे, रवा, सेमोलिना जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो। ये पहले से ही भुना हुआ है क्योंकि मैं जब भी मंगाती हूँ भून के ही रखती हूँ, इससे इसमें कुछ लगता भी नहीं है और ये बहुत अच्छा रहता है। और जब भी बनाना होता है जल्दी भी हो जाती है, थोड़ा ही ऐसे हमें फ्राई करना पड़ेगा, इसको भूनना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं पहले ही भून के रखती हूँ। इसको ऐसे 4-5 मिनट भून लेते हैं, इसमें से धीमे धीमे खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें भूनना है। बहुत अच्छी से खुशबू आती है और इसको अब हम उतार लेंगे। अब हम एक बर्तन ले ली हूँ, जितना हमने सूजी ली थी उससे हमें 3 गुना पानी लेना है। अगर ऐसे आप हलवा बनाएंगे तो बहुत खिला खिला एकदम दाना अलग अलग हो जाएगा इसका। और 1 कटोरी हलवा है तो 3 कटोरी हमें पानी लेना है। ये 3री कटोरी है और इसको हम बॉयल करके बनाएंगे पानी को। आप ऐसे भी पानी डाल के बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बॉयल पानी करके अगर उबला पानी रहेगा तो बहुत बढ़िया दाना एक खिल के आएगा हलवा में, बहुत टेस्टी बनता है। और प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो अच्छा ही होना चाहिए। और देखिए अब हम पानी इसमें डाल देंगे सूजी में और ये बहुत जल्दी ही बन जाएगा गर्म पानी से। वैसे चाहे थोड़ा समय भी लगे, जितना हमने सूजी ली थी उतना ही चीनी हमें लेना है। और वैसे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए हो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जितनी सूजी ले रहे हैं रवा उतना ही चीनी लेंगे तो बहुत बढ़िया बन के मीठा भी बहुत सही होता है। और हमें इसको कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा क्योंकि यहीं पे तो मन होता है। देखिए अब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, ऐसे हमें चलाना है बराबर। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए ये गाढ़ा हो गया है काफ़ी, नीचे से कढ़ाई भी छोड़ रहा है। ऐसे मैं चला रही हूँ स्पून तो नीचे कढ़ाई छोड़ रहा है। अब हलवा बन गया है, इसमें जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उनको डाल देती हूँ। आधा मैंने अभी डाला है, आधा बाद में डालूँगी, मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हलवा बन गया है, हमने बंद कर दिया इंडक्शन को। फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और आप ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। और सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया खिला खिला हलवा बन के तैयार है माता रानी के प्रसाद के लिए। और जय माता दी।